हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। देखिए, सबसे पहले विन वर्ड करके शॉर्टकट तरीके से मैं एमएस वर्ड ओपन कर लिया। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर देखिए आपको कुछ नीट ट्रिक्स बताने वाले हैं। सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, फुल स्क्रीन। आपने देखा होगा डेटा टाइप करते हैं, कई बार हम फॉर्म बनाते हैं, वहाँ पर कुछ न्यू ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेटा टाइप किया नेम, पोस्ट, सिटी एंड सैलरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हम शिफ्ट के साथ लाइन करते हैं, लाइन या फिर आपको डॉट डॉट करके ऐसे आपको जिसमें नेम के सामने नेम लिखने के लिए ये डेटा यूज़ करना है, तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे लिख के नहीं लेना है स्टूडेंट्स, इसको ऑटोमेटिक कैसे हम सेट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, जितना बड़ा चाहिए आप देख लो, सेलेक्ट करके आप जितना आपको बड़ा चाहिए उतना आप सेलेक्ट करके अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप स्पेस दबा के सेट कर लीजिए कि कैसा आपको डेटा यहाँ पे चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं डालना होता है, नहीं तो ऐसा शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें पैराग्राफ में जाना है, पॉइंट्स इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में। इसे सेलेक्ट करने के बाद ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको टैब सेट करना है। अब जो डॉट वगैरह आपको कहाँ तक लेके आना है, देखिए यहाँ पे ये जो आप देखो यहाँ पे लिखा है वन, यहाँ पे जो एरिया बता रहा है 1, 2, 3, 4, 5, तो मुझे यहाँ पे जो स्केल है, रूलर कहते हैं इसे, रूलर के कहाँ तक चाहिए, 4 तक। तो यहाँ पे 4 तक हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 तक आएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट चाहिए। तो आप जैसे सेट करोगे स्टूडेंट्स, ओके करते ही कर्सर रखोगे, फिर आप जैसे टैब दबाओगे स्टूडेंट, देखो ये 4 तक ही आके वहाँ पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई फॉर्म बना रहे हो तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, या कोई एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आप ये कह सकते हो एग्जाम फॉर्म, या फिर आप कोई लेटर जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे रो कॉलम चाहिए, जहाँ पे आपको कोई मैटर लिखना है, तो ऐसे भी आप यूज़ करके ले सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने टैब दबाया, ये आपका डेटा ऑटोमेटिकली उसी रेंज तक सेट हो गया है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और भी आप कुछ लिख के बाद में भी टैब सेट करके उसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, यहाँ पे आपको पिन कोड लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया आपने फ़ोन, और यहाँ पे लिख दिया आपने कोर्स, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, लास्ट में नहीं लिख दिया। आप देखो इस पर कैसा है स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आपको बस टैप का प्रेस करना है, तो वहाँ तक रेंज अपने आप ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। मतलब कोर्स के सामने कोर्स लिख सकते हो, एड्रेस के सामने इस तरीके से आप एड्रेस भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है जो मैंने आपको बताया। आप एक बार ट्राई कीजिए, एक बार एमएस वर्ड ओपन करके जो मैंने आपको बताया, और आपको ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जैसे आप कहीं पर जॉब करते हो, आपके लिए बहुत शॉर्टकट तरीका है। और स्टूडेंट, विशेष ध्यान रखना, हम नए नए वीडियोज़ डालते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे चल के आप कहीं जॉब कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।